यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पीसी में एक सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है और वो यहाँ पे नहीं बज रहा है, वो एक्चुअली आपका यहाँ पे बजना स्टार्ट हो गया है। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक मिक्सर लेकर आया हूँ जो कि डीजे मिक्सर है, 4 चैनल का है और एनएक्स ऑडियो की ओर से है। आज का मिक्सर हमारा रहेगा XM5U। ये एक, हालांकि बोल सकते हैं, यूएसबी एनेबल्ड मिक्सर है। 4 चैनल में 3 चैनल आपको ओपन मिलते हैं जहाँ पे आप लोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी या मीडिया प्लेयर वगैरह लगा सकते हैं। एक चैनल पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लाइन इन सिलेक्ट कीजिए या तो यूएसबी सिलेक्ट कीजिए। इसका यूएसबी किस टाइप का है वो मैं आपको वीडियो में चला के दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा फीचर है और यूनिक सा नया फीचर है। आज इस मिक्सर को हम लोग रिव्यू करेंगे, आप लोगों को इसका टेस्टिंग भी बताएंगे और हमने इसे आउटडोर में भी टेस्ट किया है तो वो भी आपको दिखाएंगे। इसका कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, वो आपको करके दिखाएंगे। बैलेंस्ड आउटपुट आपको इसमें 2 मिलते हैं, वो भी आपको चला के दिखाएंगे और बाकी सारा डिटेल आपको आज की वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। विके वैन का ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस मिक्सर का MRP है 19,500 आज के डेट में। आपको इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, आपको डीलर से कांटेक्ट करना होता है। अब हम लोग इस मिक्सर को अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करके टेस्टिंग तक लेके जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब अनबॉक्स करते हैं हमारे XM5U 5 चैनल के मिक्सर को, जिसमें माइक इनपुट एक दिया हुआ है और 4 चैनल इनपुट दिए हुए मीडिया या फोन के लिए। आउटर बॉक्स पैकेजिंग में सारा कंपनी ने डिटेल दे रखा है, जैसे कि इसमें 3 बैंड के इक्वलाइजर है जो +12 dB से -26 dB के रेंज में काम करते हैं। 10 LED VU मीटर्स लगे हुए हैं जो लाइटिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। माइक का कॉम्बो 3 बैंड का इक्वलाइजर वाला XLR पिन सॉकेट दिया गया है। स्मूथ 60 mm के फेडर दिए गए हैं जो कि बड़े साइज के होते हैं, 60 mm मतलब। और मेटल चेसी में आपको चैनल सिलेक्शन के लिए बटन दिया गया है जो कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट करके उस पे क्रॉस फेडर आप बजा सकते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों आउटपुट इसमें दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो अनबैलेंस्ड टाइप का दिया हुआ है। 19,500 इस पे MRP लिखा हुआ है और कंपनी ने बाकी सारा डिटेल भी इस पे दिया हुआ है। आइए अब इस मिक्सर को करते हैं ओपन। बॉक्स के बाहर निकालने के बाद देखते हैं ये कैसा दिखता है। हालांकि इसमें मास्टर सिलेक्शन के अलावा बूथ का आउटपुट भी दिया गया है जो कि आपको हेल्प करता है एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए, और 6.3 mm का हेडफोन जैक सॉकेट भी मिल जाता है जिसमें आप अपने हेडफोन लगा के इस म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। साथ में पावर कॉर्ड डेटा केबल आपको इसके साथ दिया गया है, एक यूजर मैनुअल भी होता है। पॉलिथीन में कवर्ड ये मिक्सर मैं आपके सामने रखवाने वाला हूं। मिक्सर दिखने में काफी शानदार दिखता है और स्कैन कोड साथ में दिया हुआ है, इससे स्कैन करके आप इसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं कंपनी के थ्रू। मिक्सर में सभी टाइप के इक्वलाइजेशन के बटन आपको दिख रहे होंगे जिसमें हाई, मिड और लो के ऑप्शंस बेसिक होते ही हैं। इसमें चैनल सिलेक्शन के लिए बटन्स दिए गए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी रगेड सॉलिड बॉडी है इसका। पीछे की साइड में सॉकेट्स बहुत सारे दिए गए हैं जिनमें माइक सिलेक्शन के लिए भी है, लाइन इन के लिए भी है और आउटपुट सॉकेट्स भी दिए गए हैं। पावर कॉर्ड लगाने के लिए सॉकेट और उसके ऊपर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। साइड में आप बटन्स देख सकते हैं मास्टर और बूथ आउटपुट के, जिनसे आपको आउटपुट में वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने में मदद मिलती है।
मिक्सर दिखने में काफ़ी यूनिक है और साथ में साथ यूएसबी इनपुट का पोर्ट भी इसमें दिया गया है। नीचे बटन्स हैं जिससे आप फोन हो या लाइन इन सॉकेट को सिलेक्ट करके इनपुट आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। माइक सॉकेट ऊपर में दिख रहा है जिसके लिए हाई, मिड और लो के ऑप्शंस दिए गए हैं गेन के साथ। माइक ऑन ऑफ का स्विच अलग से दिया हुआ है ताकि आपका माइक अगर ऑन रह जाता है और विसल करे तो उसे आप झटके से बंद कर सकते हैं। स्लोप के ऑप्शन आपको देखते हैं, कैसे टाइप का स्लोप आपको चाहिए। गेन कंट्रोल सभी जीरो इसलिए रखे गए हैं ताकि मिक्सर को ऑन करते टाइम कोई वॉल्यूम खुला हुआ रह जाए और आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम ना मिल जाए। ये क्यू सिलेक्शन का ऑप्शन है हमारे लिए। क्योंकि इस मिक्सर का पावर सप्लाई काफी हैवी है तो इसलिए आपको इसका वेट काफी दिखता है। आइए अब इसका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। मिक्सर को हमने बैक साइड से देखने वाले हैं जहां पे हम लोग XLR आउटपुट इससे निकालने वाले हैं, बैलेंस्ड आउटपुट जिसे बोला जाता है, और वही सेम केबल जो है हम लोग क्रॉसओवर के इनपुट में लगाने वाले हैं। चैनल ए या बी ये आपकी चॉइस पे होता है। जैसे हमने एक केबल कनेक्ट किया वैसे दूसरा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं XLR R में से क्रॉसओवर के इनपुट 2 में। अब बारी आती है इनपुट करने की। मीडिया इनपुट मोबाइल फोन लैपटॉप के थ्रू होता है जो आप RC पिंस के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने बंद वाले सॉकेट को बंद रखा है और जिस पे बिन लगाने का ऑप्शन दिया गया है चैनल 2 में, उसमें हमने लगा दिया है। अब ये लाइन इन का इनपुट हो चुका है स्टार्ट। अब इस पे इजीली आप अपना फोन या लैपटॉप लगा के भी इसे चला सकते हैं। देखिए लोग तरह तरह के मीडिया प्लेयर्स या लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या कनेक्शंस लगाते हैं हमारे मिक्सर्स को। इन कनेक्शन से कई बार क्या होता है, केबल्स का जो प्रॉब्लम आता है या उनसे जो डिस्टॉर्शन लेवल बढ़ जाता है या हम साउंड जो आता है, अर्थिंग का जो साउंड आता है, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये USB कनेक्शन के थ्रू हमें मिलता है। USB कनेक्शन जो होता है ये डेटा केबल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। USB का कनेक्शन आपके डायरेक्टली PC में या लैपटॉप में लग जाता है जिससे आपको विदाउट डिस्टॉर्शन 100% क्लीन डिजिटल ऑडियो आपको मिलती है जो आपके मिक्सर तक जा रही है। वैसी ऑडियो सुनने के लिए लोग हालांकि तरसते हैं, आपको इसमें डायरेक्टली मिल जाती है। प्लस उस ऑडियो को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो आपका साउंड आपको पास आ रहा है उसे आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बेस ट्रबल मेड उसमें चेंज करके उसका गेन बढ़ा या घटा सकते हैं। मास्टर से आपको आउटपुट निकल के मिल जाता है वो भी बैलेंस्ड मिलता है, यानी कि जो क्लीन साउंड आपको लैपटॉप या PC से डायरेक्टली मिक्सर में आई है वो डायरेक्टली आपके आगे फॉरवर्ड हो रही है XLR केबल के थ्रू। आप चाहें तो इसे RC केबल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि चार चैनल में आपको एक चैनल USB का मिल जा रहा है, बाकी तीन चैनल आपके पास फिर भी ओपन है। अगर आप लोग CDJ5 या CDJ5000 वगैरह इस टाइप का कुछ लगाना चाहते हैं, मीडिया प्लेयर लगाना चाहते हैं, तो भी आपको कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिल जाती है। DJ Media 5000 एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है वहाँ कनेक्ट करने के लिए। DJ Media 5000 भी NX Audio का ही आता है जो इसके पीछे रखा हुआ है हमारे, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में लेना चाहते हैं तो डुअल मीडिया प्लेयर भी आप लगा सकते हैं जिसे DJ Media होता है NX Audio की ओर से। अभी हम लोगों ने मिक्सर को आउटडोर में जो टेस्ट किया है वो आप सुनिए, जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि ये किस टाइप का बजता है और इसमें आप कैसे ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। टेस्टिंग के टाइम पे आप लोग हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि हमने इसे बाहर चेक किया है, तो आप भी बाहर वाली ऑडियो सुनिए। गेन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ट्रेबल, ट्रेबल
एडिट का ऑप्शन है। ये बेस का ऑप्शन है। Close your eyes. इस टाइप से इसका आउटपुट आता है और यहाँ से आप इसमें डीजे के लिए माइक भी लगा सकते हैं। माइक का हाई, मिड, लो के ऑप्शंस दे रखे हैं गेन के साथ। माइक ऑन करने के लिए ये बटन आपको प्रेस करना होता है। हर एक के लिए सिलेक्शन के लिए एक्स और वाई का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग एक्स पे सिलेक्ट करते हैं तो एक्स विल बी दिस साइड और वाई विल बी दिस साइड। फेडर के दो साइड्स पे ये दिए हुए हैं और यहाँ से बूथ आउटपुट है, मास्टर आउटपुट है, दोनों ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। ये वाले दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस मिक्सर को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं यहां से, ये यहां इसका बटन है। देखिए हमने क्योंकि इसके कनेक्शन कर रखे हैं, हमने बैलेंस्ड आउटपुट से निकाल लिया आउटपुट। यहां से इसे ऑन करते हैं। देखिए आप लोग लाइटिंग देख सकते हैं, ब्लू कलर की काफी अच्छी डिसेंट दिखने वाली लाइट्स इसमें आ जाती हैं। और अब मिक्सर को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप डेटा केबल देख सकते हैं जहाँ लगने का ऑप्शन दिया है यूएसबी में। तो हम लोग इसे लगाते हैं इसमें और इसका दूसरा जो यूएसबी वाला पार्ट है हम लोग उसे हमारे पीसी में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पीसी ऑन कर रखा है, उसमें जस्ट मुझे इसे प्लग इन करना है। ये खुद ब खुद यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। फिर आप अपने सॉन्ग्स को यहाँ पे, कोई भी सॉन्ग आप जब बजाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पीसी में प्ले ना होते हुए आपके मिक्सर में होगा। ये कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने पीसी में एक सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है और वो यहाँ पे नहीं बज रहा है, वो एक्चुअली आपका यहाँ पे बजना स्टार्ट हो गया है। मेयर डेटा केबल कनेक्ट करने से यूएसबी वाला जो 3 नंबर का लाइन इनका ऑप्शन था उसमें ये सॉन्ग बजना स्टार्ट हो गया है। अब ये सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मास्टर वॉल्यूम खोला नहीं है या फेडर खोला नहीं है। अब मैं फेडर जैसे ही उठाऊंगा तो ये आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, यानी कि मास्टर आउटपुट से ये आउटपुट बाहर निकल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे एम्पलीफायर से मैंने ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हैं कनेक्ट कर रखा है। तो मैं एम्पलीफायर का वॉल्यूम खोलता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे बजता है। अभी मैं एक सॉन्ग पूरा तो नहीं बजा सकता लेकिन कॉपीराइट में अटक जाएगा ना वीडियो, इसलिए तो आपको सिर्फ ये दिखा सकता हूँ कि 3 नंबर पे मैंने और कोई कनेक्ट ना करते हुए सिर्फ यूएसबी पीसी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और उससे ये मिक्सर आपका डायरेक्टली पीसी पे कनेक्ट हो गया है। आइए अब आगे देखते हैं।
XM5U जो है एक नया मॉडल है NX Audio की तरफ से, चार चैनल का है, क्योंकि मार्केट की बढ़ती हुई डिमांड देखते हुए कंपनी ने ये वाले मॉडल को लॉन्च कराया है। इसमें गेन काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, आपको जो स्लाइडर बटन्स है काफ़ी रिच क्वालिटी के मिलते हैं। ये बटन्स को हमने काफ़ी बार यूज़ करने के बाद भी इनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। आमतौर पर जो दूसरे ब्रांड्स के मिक्सर्स होते हैं उनमें कचरा अटकने की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं फेडर्स, इसमें उस टाइप का प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है अभी तक। इसका गेन के बटन्स, मास्टर के बटन्स काफ़ी स्मूथ है। जब आप इसे ड्राइव करते हैं ना तब आप इसे समझ पाएंगे कि इसका स्मूथनेस कितने लेवल का है, क्योंकि वॉल्यूम जब आप बढ़ाते हैं और इसे स्लो स्लो बढ़ाने पे आपको समझ में आता है कि वॉल्यूम एकदम से नहीं बढ़ रही है, नहीं तो कई सारे मिक्सर्स में 2-3 dB का फासला आ जाता है झटके से बढ़ाने पे, तो ये इसमें नहीं देखने को मिलता। इसमें से बैलेंस्ड आउटपुट भी आपको मिल जाता है जो कि एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट है। जो आपकी डिजिटल ऑडियो जो आपको मिल रही थी लैपटॉप या पीसी के थ्रू वो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में दे सकते हैं, मिक्सर से क्रॉसओवर में जो कनेक्शन जाने वाले उससे आप XLR पिन को आउटपुट दे सकते हैं। RC पिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके XLR के ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो। इसके अलावा जैसे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए आप RC पिंस का भी सहायता ले सकते हैं जो कि बैक साइड में सॉकेट्स दिए हुए हैं लाइन इन से इनपुट करने के लिए। इसके अलावा कुछ सॉकेट इन्होंने पैक कर रखे हैं जो कि फ़ोनों के आउटपुट है जो आपको यूज़ नहीं भी करने होते हैं कई बार। इसमें बूथ आउटपुट का भी ऑप्शन दे रखा है, अगर आप लोग मास्टर से आउटपुट नहीं निकालना चाहते हैं या निकाल चुके हैं आपके पास और भी ऑप्शंस चाहिए आपको तो बूथ आउटपुट से आप आउटपुट निकाल के भी सिस्टम में दे सकते हैं। अगर आपका मास्टर पैक हो चुका है, आपको बूथ से भी देना है, उसके अलावा भी चाहिए तो रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मिक्सर्स में इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि कई बार लोग क्रॉसओवर भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आपको गेन उतनी ज़्यादा एनहांस होकर मिले मिक्सर से, इसके बजाय आप क्रॉसओवर एक्स्ट्रा लगा के उसे चलाएं तो ज़्यादा बेटर आपको आउटपुट मिलता है। बाकी ये मिक्सर कैसा लगा आपको टेस्टिंग में ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। लगभग मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है और इजीली ये मार्केट में अवेलेबल भी हो जाता है। अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए ये मिक्सर काफ़ी अच्छा विकल्प आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए।